बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम डी व्यूवर्स। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े का फ्रूट ट्राइफल। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये रेड सब्सक्राइब का बटन दबा के जल्दी से कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। और साथ ही ये बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, इससे आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलेंगी। और मेरी रेसिपीज़ को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो चलें बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज की रेसिपी को रेसिपी नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये बहुत इजी है उन सब लेज़ी लोगों की तरह जो मेरी तरह, जिनको जब जल्दी जल्दी कुछ बनाना पड़ता है तो वो यही बनाते हैं। तो मैंने 4 कप दूध ले लिया है जो कि 250 मिल के करीब है। तो मैं ये कप दिखाना चाह रही थी कि ये ना वो जो दूध वालों वाला कप होता है वो आप ले लें, ये 240 मिल वाला कप है जो कि मैंने लिया है। और इससे मैं जो है अपनी सारी की सारी मेजरमेंट्स करती हूँ। इसके अलावा मैंने ले लिया है जी कस्टर्ड पाउडर जो कि था 4 टेबल स्पून के करीब। और मैंने ले ली है जी शुगर, और शुगर मैंने ली है 3 टेबल स्पून। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल लें, मुझे शुगर थोड़ी कम पसंद है वैसे भी। और एक पूरा मैंने पैक ले लिया है क्रीम का जो कि डबल क्रीम है 300 ml के करीब। और यहाँ पर ये एक मिक्स फ्रूट वाला टिन था जो कि मैंने पूरा का पूरा एक बोल में डाल लिया है, जो तकरीबन 250 ml के करीब है। और इसमें जो है इसके अलावा मैंने 80 ग्राम के करीब शुगर भी ली है, और स्प्रिंकलर्स भी ऊपर एंड में ऐड करूँगी। और ये केक है जो कि आप कोई भी बचा कुचा सा केक ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मेरी पुरानी रेसिपीज़ में से एक रेसिपी केक के ऊपर भी है, आप वो चेक कर सकते हैं। तो बस मैं अभी जेली बना रही हूँ। अब ये मत कहिएगा जेली किसको बनानी नहीं आती, क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्हें जेली भी नहीं बनानी आती। तो दूसरी तरफ हम बना रहे हैं जी कस्टर्ड। कस्टर्ड के लिए दूध उबाल लेते हैं। तो ये मैंने उबलने के लिए रख दिया है, इतनी देर में मैं क्रीम को ब्लेंड करूँगी। तो जी क्रीम मैंने अपने इस बर्तन में बड़े से बोल में डाल दी है, क्योंकि जी छिट्टे विट्टे काफ़ी उड़ने हैं तो हमने पहले से बड़ा सा बोल लिया है जिसमें कि अगर छिट्टे उड़े भी तो आपके ऊपर ना आए। तो इसमें मैंने जी तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब डाली है आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर से क्रीम बहुत जल्दी थिक हो जाती है। तो वो डालने के बाद मैंने फिर से इसे फेंटना शुरू किया, तो ये कंसिस्टेंसी आ गई थी। यहाँ पे मैंने इसको रोक लिया है, मुझे इससे ज़्यादा थिक नहीं चाहिए। और नज़र क्या मैंने हटाई, ज़रा सी दूध साहब जो है वो उबल के बैठ गए, तो ये ऐसे ही होता है। तो मैंने जल्दी से इसको बचा लिया, इसमें मैंने शुगर डाल दी। तो शुगर डालने के बाद अब मैं बना रही हूँ जी कस्टर्ड। तो कस्टर्ड मैंने पानी में मिक्स करके डाला है। तो कुछ लोगों को कस्टर्ड भी नहीं बनाना आता, इवन डब्बे की इंस्ट्रक्शंस पढ़ के भी नहीं बनाना आता, तो उनके लिए बिल्कुल आप इस तरह से कस्टर्ड बनाइए और साथ साथ मिक्स करते जाइए कि गुठलियाँ ना बने। गुठलियाँ बन गई तो फिर वही चुनते रहेंगे आप। साथ ही साथ मैंने जेली काट ली है स्क्वायर पीसेस में। अभी मैं लेयर्स लगा रही हूँ। लेयर्स लगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जैसे आपका दिल करे आप वैसे लेयर्स लगाएं। तो मैंने सबसे पहले जो है वो केक की लेयर लगा ली है। तो हर तरफ मैंने इवनली केक रख के, और उसके बाद जो मैं करती हूँ वो ये कि इसमें जो फ्रूट जूस है वो ऊपर डालती हूँ। अच्छा, फ्रूट जूस डालने से ये होगा कि ये बहुत ही सॉफ्ट रहेगा केक। तो इसके ऊपर आप कोई भी चीज़ डालेंगे तो वो इसके सॉफ्टनेस जो है वो आएगी। और साथ में अभी जब कस्टर्ड डलेगा ऊपर, तो जैसे कस्टर्ड में चीनी कम थी तो वो चीनी जो है वो वहीं लेवल हो जाएगी। तो अभी मैंने इसको सारा लेवल करके और फिर मैं इस पर डालने लगी हूँ क्रीम। अच्छा, एक बात जो मैं आपको बताना भूल गई वो ये कि कस्टर्ड बना के मैंने फ्रिज में ठंडा कर लिया था। गरम गरम कस्टर्ड डालेंगे तो फिर आपकी ये जो ऊपर क्रीम है ना, ये फिर सेट नहीं आएगी, ये सारी क्रीम के बजाय मक्खन बन जाएगा। तो इसलिए आपका जो है वो कस्टर्ड ठंडा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो डालने के बाद मैंने डाल दी है इसमें जेली। जेली के बाद मैंने ऊपर फ्रूट डाल दिया है। कोई भी फ्रूट ले लीजिए, बस टमाटर ना ले लीजिएगा, क्योंकि टेक्निकली टमाटर भी तो फ्रूट है ना। तो चलें, बाकी फिर मैं लगा रही हूँ एक और केक की लेयर। और उसी तरह मैंने सारी लेयर्स लगा ली थी दोबारा। ये इतने मज़े का बनता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस इसको मैं ऊपर से स्प्रिंकलर्स डाल के डेकोरेट कर रही हूँ। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, आपके बच्चों को ये इतनी पसंद आएगी कि वो आपसे रोज़ मांगेंगे। और वैसे भी तो हेल्थी है ऑब्वियसली, दूध कस्टर्ड फ्रूट्स यही सब कुछ तो चाहिए होता है बच्चों को। तो ज़रूर मेरी रेसिपी ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। और अगर कोई सजेशंस रिकमेंडेशंस हैं तो ज़रूर बताइए। इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज भी विज़िट कीजिए। मैं चलती हूँ, मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बिल्कुल नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।